मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग एवं विश्व हिंदू परिषद टाउनहाल प्रखंड के संयुक्त सहयोग से कमिश्नरी चौक कचहरी परिसर में 5 रुपए में भरपेट भोजन का स्टॉल प्रकल्प का आयोजन किया गया। यह आयोजन हर हफ्ते में एक दिन मंगलवार को आयोजित किया जा रहा है। आयोजन में सर्वप्रथम पुष्पेंद्र अग्रवाल समाज सेवी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष नवदीप सिंह एवं महानगर अध्यक्ष अमित गुप्ता द्वारा भोजन का वितरण शुरू किया गया। विश्व हिंदू परिषद सेवा प्रकल्प का उद्देश्य निस्वार्थ भावना से सर्व समाज की सेवा करना है। इसी उद्देश्य से यह कैंप का आयोजन किया जा रहा है। महानगर के मुख्य चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में ऐसे ही प्रकल्प का आयोजन लगाने की योजना चल रही है। सेवा सम्मान विश्व हिंदू परिषद के लिए सर्वोपरि है। प्रांतीय सेवा प्रमुख नीरज सिंगल के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद सेवा कार्य चला रहा है। प्रकल्प में मुख्य रूप से एडवोकेट विपुल अग्रवाल, महानगर सेवा प्रमुख सुनील सैनी, महानगर से गोरक्षा प्रमुख अनिल कटेरिया, महानगर सहमंत्री मोहित सक्सेना, महानगर सहमंत्री संतोष पंडित, महानगर सह प्रमुख राहुल चौधरी, जितेंद्र वंश, देवाशीष आदि, राजकुमार कटेरिया एवं समस्त बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम रहा है? इधर ये विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग की ओर से पिछले 2 साल से लगातार ये सेवा का कार्य किया जा रहा है। इसमें 5 रुपये में कुछ टोकल पिलाया जा रहा है। इसमें भरपेट भोजन सभी के लिए सभी के कार्य आते हैं और वो 5 रुपये भरपेट भोजन करके अपने गंतव्य को वापस करते हैं। नमस्कार, मैं विपुल अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद महानगर सेवा प्रमुख। आज विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत एवं विश्व हिंदू परिषद टाउनहाल प्रखंड के संयुक्त तत्वावधान में कचहरी परिसर में कमिश्नरी चौक पर 5 रुपये भरपेट प्रकल्प का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था है कि लोग जो कम सुबह से शाम तक जैसे ठेले वाले, रिक्शा वाले, कम आय का साधन है उनके ऊपर, कम पैसे कमाते हैं, उन्हें 5 रुपये में भरपेट खाना पहुँच सके सिर्फ, और पूरे आत्मसम्मान के साथ वह भरपेट खाना खा सके।